नमस्कार, न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। बिहार में जब से सुशासन बाबू ने दूसरी राह पकड़ी है, तब से बिहार की कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। अपराधियों के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि सरेराह गोली मार दे रहे हैं और पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है। बिहार के बेगूसराय में मंगलवार शाम जो कुछ हुआ, वह सुशासन के दावों पर सबसे बड़ा सवाल है। हम आपको बता दें कि बेगूसराय जिले में एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए दो बदमाशों ने मंगलवार शाम को सड़क से गुजरने के दौरान अलग अलग स्थानों पर गोलीबारी की, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई जबकि 11 अन्य घायल हो गए हैं, जिनमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है कि बाइक सवार बदमाशों ने 30 किलोमीटर के दायरे में गोलियां चलाई और जो भी रास्ते में दिखा उसे गोली मार दी। हम आपको बता दें कि अब तक ऐसे वाकये पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका में देखने को मिले हैं। भारत में मास फायरिंग का यह पहला मामला बताया जा रहा है। उधर यह मामला अब राजनीतिक रूप से भी तूल पकड़ चुका है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, जो कि बेगूसराय से लोकसभा सांसद भी हैं, उन्होंने आरोप लगाया है कि बिहार में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। उन्होंने कहा है कि मृतक के परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाना चाहिए और अब नीतीश सरकार को पद पर बने रहने का कोई हक नहीं है। कि दुर्भाग्य है बिहार का कि बिहार में सरकार नाम की कोई चीज नहीं रह गई। 30 किलोमीटर तक अपराधी 4 थानों से गुजरता हुआ जाता है, अब बेरोक ठोक बेभय को गोलियां चलाता है, यानी लोगों में भय नाम की चीज खत्म हो गई है। मुख्यमंत्री के शब्दों में ये जंगल राज नहीं, ये जनता राज है, परिभाषा बदल दिए हैं। ये दुर्भाग्य है। मैं कहूंगा कि मुख्यमंत्री इस पर बयान दें और जितने लोगों को गोली लगी है, एक तो जान दे दिए हैं, उन्हें कम से कम ये आपके कारण लगा है, उसको 1 करोड़ रुपया मुआवजा दें और जिनको गोलियां लगी है उन्हें 50-50 लाख मुआवजा दें। उधर इस मामले में अब तक हुई कार्रवाई की बात करें तो एसपी ने इस मामले में पुलिस की लापरवाही मानते हुए 7 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया है। बताया जा रहा है कि इस मामले में समस्तीपुर से 2 संदिग्धों को अब तक गिरफ्तार भी किया गया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि सीसीटीवी फुटेज में बछवाड़ा इलाके में 2 लोगों को मोटरसाइकिल पर सवार होकर जाते हुए देखा गया। उन्होंने बताया कि मृतक की पहचान 30 वर्षीय चंदन कुमार के तौर पर की गई है। चंदन कुमार पंचायत समिति के सदस्य थे। आज हम लोग को सूचना मिली थी 5:30 बजे के आसपास कि टेंगड़ा थाना में, भगवानपुर थाना में, फुलवरिया थाना में और चकिया थाना में 4 विभिन्न थानों में कुछ स्थान पे इनडिस्क्रिमिनेट वे में 2 अपराधियों ने मोटरसाइकिल पर जाते हुए गोली चलाई है। इसमें टोटल 9 लोग हैं जिनको गोली लगी है। सभी का इलाज कराया जा रहा है, सभी खतरे से बाहर हैं। एक व्यक्ति है जिसका नाम चंदन था, जो कि फुलवरिया थाना बरौनी थाना का रहने वाला था, उसकी डेथ हुई है। हम आपको बता दें कि बाइक सवार बदमाशों ने बरौनी तापघर चौक, बरौनी तेघरा, बछवाड़ा और राजेंद्र पुल के पास अंधाधुंध गोलीबारी की, जिससे कुछ समय के लिए इलाके में दहशत मच गई। बीजेपी ने इस घटना के विरोध में आज बेगूसराय बंद भी बुलाया है। इस बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने भी कहा है कि बिहार के इतिहास में यह एक प्रकार की अपनी पहली घटना है। आज शाम को बेगूसराय में मोटरसाइकिल पर सवार 2 अपराधियों ने 30 किलोमीटर की दूरी में लगभग 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को गोली मार दी और जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और अब जो समाचार मिल रहा है 10 से 11 लोग उसके अंदर घायल है। संभवतः बिहार तो क्या हिंदुस्तान के इतिहास की पहली घटना होगी जब मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोग इस प्रकार से गोली मारते हुए निकल गए और पुलिस उनको पकड़ भी नहीं पाई। ये बहुत दुर्भाग्य है कि जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है, अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और अपराधियों को लगता है तो हमारी सरकार बन गई। कार्तिकेय सिंह का मामला हो या बालू के खनन कार्यालय में जाकर जिस तरह से खनन पदाधिकारियों को धमकी दी गई और आज तक किसी भी मामले में कोई अपराधी गिरफ्तार नहीं किया गया, या पिरभोर थाना के अंदर जिस तरह से अनवर अहमद और राजद के समर्थकों ने थाने में घुसकर डीएसपी की वर्दी फाड़ना और धमकी देने का काम किया, तो लगातार स्थिति बिगड़ती जा रही है। मुख्यमंत्री जी ने 3 दिन पहले रिव्यू मीटिंग किया था लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, लेकिन उसका भी कोई परिणाम नहीं निकला, तो इसलिए बहुत चिंता का विषय है और बिहार के लोग दहशत में जी रहे हैं, लोग भयभीत हैं, लोगों को लग रहा है कि फिर से कहीं पुराना दौर तो लौट कर नहीं आ जाएगा। इसलिए मुख्यमंत्री को अविलंब हस्तक्षेप करना चाहिए और तत्काल अपराधियों को गिरफ्तार करना चाहिए।
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।